जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम गुंजन रस्तोगी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है और बहुत ब्लेस करते हैं, उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जितने भी गुरु जी की संगत हैं उनको सबको पता है गुरु जी का चमत्कार क्या है, उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। तो मैं आपको आज ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, कैसे कनेक्ट हुई। जनवरी 2018 में मेरी एक फ्रेंड के घर पे गुरुजी का सत्संग था और उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं ना कभी बड़े मंदिर गई थी, ना मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड किया था, ना मैंने किसी का सत्संग सुना था। तो उसने मुझे अपने घर पर सत्संग में बुलाया और मैं गई थी वहाँ पर, और बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं वहाँ पे गई, सत्संग अटेंड किया, देन मैं अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास मेरी उस फ्रेंड का कॉल आया जिनके घर सत्संग था। तो उसने मुझे बोला कि तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ कि तू सुन के चौंक जाएगी। मैंने बोला क्या बात है बता। तो उसने मुझे बताया कि उनके घर में सत्संग कराने के लिए जो एक सेवादार अंकल आए थे, उन्होंने मेरी फ्रेंड से पूछा था कि तेरे घर पे सत्संग था और तुम्हारे यहाँ पे कोई रस्तोगी आंटी आई थी क्या। तो मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ, मेरी फ्रेंड है गुंजन रस्तोगी, वो आई थी। तो उन अंकल ने बताया कि उनके सपने में गुरुजी ने आके कहा था कि वहाँ पे सत्संग हुआ है और वहाँ पे ऐसे ऐसे इतने सारे लोग आए थे, वहाँ पे एक रस्तोगी आंटी आई थी, उनको बोलना मैंने उनको ब्लेस कर दिया है और वो उनकी जो भी परेशानियां हैं वो मैंने ख़त्म कर दी हैं और वो उनको मैंने बहुत ब्लेस कर दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई थी ये बात सुन के और मन में बहुत खुशी भी हुई थी। एक दिन पहले ही मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आई थी और उसका कनेक्शन मुझे महसूस हुआ अगली सुबह जब मैं उठी हूँ और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बात बताई थी। और लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे जब उसने मुझे बात बताई। मैंने बहुत एक्साइटेड होकर अपने घर में बताई और मैंने ये भी बोला कि मैं अब बड़े मंदिर जाऊंगी। तो एक तरह से वो मेरा बुलावा था, एक तरह से नहीं, डायरेक्टली वो गुरुजी का मुझे बुलावा था कि मैं उनके साथ कनेक्ट करूं, बड़े मंदिर जाऊं, ब्लेसिंग्स लूं उनकी। तो उसके कुछ टाइम बाद मैं बड़े मंदिर गई थी और होकर आई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं नहीं जा पाई थी। उसके बाद फिर मैं लास्ट ईयर 2019 में अपनी फैमिली के साथ गई थी। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी तो मैं अपने पापा मम्मी को लेके गई थी और गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लेस किया था, उनका लख लख शुक्राना है, गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे कनेक्ट किया संगत जी, ये तो वो बात है। अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाना चाहूँगी। अभी लॉकडाउन में ही गुरुजी का समाधि दिवस था और सब लोगों का मैं सुन रही थी, पोस्ट देख रही थी कि सब लोग समाधि दिवस पे गुरुजी का सत्संग करेंगे घर के अंदर। और मेरे भी मन में अचानक से आया, समाधि दिवस जिस दिन था उसी दिन मॉर्निंग में मेरे मन में अचानक आया कि मैं भी गुरुजी का सत्संग करूं क्या घर पे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना होता है, क्या तैयारियाँ करनी होती हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने अपने घर पे बात करी और मेरे घर वालों ने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ करते हैं। तो मेरी एक चाची जी हैं, उनसे और उनके बच्चों से जो कि गुरुजी के बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं और उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता हैं कि किस तरह से क्या अरेंजमेंट्स करने होते हैं। मैंने उनसे बात करके उनसे सब कुछ पूछा और सेम डे में ही जितनी थोड़ी बहुत तैयारियाँ हो सकती थी वो करके हमने घर पर सत्संग किया। और सत्संग के बाद जो गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखते हैं, जब वो लास्ट में सबको बांटा गया, सबको दिया गया वो जल प्रसाद, आप यकीन मानिएगा संगत जी, वो जल प्रसाद इतना मीठा था जैसे उसमें कुछ चीनी वगैरह कुछ ऐसा मिला दिया हो। हम लोग सब इतना ब्लेस्ड महसूस कर रहे थे उस दिन। और संगत जी, सत्संग होने के बाद भी बहुत देर तक हम लोग वहीं गुरु जी के आसपास वहीं बैठे रहे, वहीं पर बैठ के हमने खाना खाया, वहीं बैठ के हमने सारी बातें की और सब इतना पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। और एक सत्संग संगत जी मैं आपको आज का सुनाना चाहूँगी जो कि बहुत मतलब चमत्कार ही कहेंगे उसको हम।
मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मम्मी को एक बार हम बड़े मंदिर ले जाएं, क्योंकि इस टाइम पे मंदिर खुले नहीं हैं और अंदर नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन हमने सोचा था कि हम चलते हैं, गुरुजी की आज्ञा लेके हम गए। और यही था कि अगर हम अंदर नहीं भी जा पाएंगे तो बाहर से मम्मी दर्शन कर लेंगी, मम्मी को बाहर से ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और हम उनको ले आएंगे। हम जब मंदिर पहुँचे हैं, बड़े मंदिर, तो वहाँ पे जितने सेवादार थे सब लोगों ने कहा कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठ के यहाँ पे दर्शन कीजिए, आपको यहीं से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि कुछ अंदर से प्रसाद मिल जाए, कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए, प्रसाद या जल प्रसाद, जो मैं अपनी मम्मी को दे दूँ और मेरी मम्मी ब्लेस हो जाए। तो वहाँ पे शायद उनको रिस्ट्रिक्शंस थे कि नहीं देना है करके, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं हो पाएगा, अभी मंदिर मंदिर बंद है और हम लोग भी अंदर नहीं जा सकते, अंदर का कोई प्रसाद बाहर नहीं आ रहा। तो हमने उनसे दो तीन बारी रिक्वेस्ट किया, नहीं हो पाया। फिर हमने एक दो राउंड गाड़ी के वहाँ पे लगा के दोबारा दर्शन किए, फिर हम बाहर आ गए जहाँ पे पार्किंग होती है। पार्किंग वाले सेवादार जो हैं, हमने उनसे अंकल से कहा, उन्होंने भी बोला कि उनके पास अंदर का कोई प्रसाद नहीं है। देन हम दोबारा गाड़ी घुमा के अंदर गए और गुरु जी को दर्शन करके, उनको शुक्राना करके हम वापस आ गए। अब हम जब बाहर मेन रोड पर आए हैं, तो वहाँ पे आके हमने एक जगह गाड़ी लगाई और किस्मत से सुबह मेरी मम्मी ने घर से खाना पैक करके हम लोग लेकर आए थे। मम्मी ने कहा था कि वापसी में हम लोग गाड़ी में खाना खाएंगे, और हम खाना वो पैक करके लाए थे। और जब हमने बाहर मेन रोड पर आके गाड़ी लगाई और खाना खाना शुरू करने से ही पहले हम सबको एक साथ ये फीलिंग आई कि गुरुजी के मंदिर के अंदर से तो हमें प्रसाद बेशक नहीं मिला, लेकिन देखिए गुरुजी ने कैसी प्लानिंग की हुई थी हमारे लिए कि हम घर से गए हैं, घर से प्रसाद बना के लेके गए हैं, लंगर प्रसाद ही कहूँगी मैं उसको, बना के लेके गए हैं। और वहाँ गुरुजी के उस एरिया में बैठ के, हमने गाड़ी के अंदर बैठ के वो लंगर प्रसाद खाया है। और आप यकीन मानिए मानिएगा, हम सब अंदर से इतना खुश महसूस कर रहे थे और इतना लकी महसूस कर रहे थे। हम पांच लोग थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, उनके हस्बैंड और मेरा एक कज़न। हम लोग सब इतना लकी फील कर रहे थे अपने आप को कि गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं आप। अभी हम यहीं पे गाड़ी रोक के अपने ही घर से बनाया हुआ प्रसाद आपके पास आके हम उसको चख रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो लंगर प्रसाद ही तो है और वो क्या है। तो हम लोगों ने मन ही मन गुरु जी को बहुत शुक्राना किया, बहुत थैंक्स बोला, और फिर वहाँ से हम घर की तरफ आ गए। और रास्ते में वहीं थोड़ा सा आगे जाके एक मिठाई की शॉप पड़ी, और अचानक मेरे मुंह से निकला कि कुछ मिठाई लेते हैं, कुछ रसगुल्ले वगैरह पैक करा के लाते हैं। मेरी मम्मी ने कहा हाँ, मैं गई और मैं मिठाई लेकर आई, और गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने सबने वो मिठाई खूब मन भर के खाई। और तब हमें एक और चीज़ का एहसास हुआ कि हम जो घर से प्रसाद लाए थे उसमें मीठा कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने देखो मुंह भी मीठा करा दिया। खाने के बाद का डेजर्ट भी हमें गुरुजी ने खिलाया, और हम बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहे थे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हम सब गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। बस गुरुजी से यही आशीर्वाद चाहते हैं, ये कि गुरुजी सदा आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका साथ हम सबके साथ, आपकी हर संगत के साथ, सबके परिवारों के साथ बनाए रखिए, और सबको बहुत ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, संगत जी, जय जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।